मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्किट हाउस काठ गोदाम में कुमाऊं मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों और आपदा प्रबंधन के लिए की गई तैयारियों की जानकारी ली, साथ ही विकास कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। साथ ही सीएम धामी ने समीक्षा बैठक लेते हुए कानून व्यवस्था समेत अन्य मामलों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम ने आला अधिकारियों से कुमाऊं मंडल में अब तक बरसात से हुए नुकसान की जानकारी लेते हुए 24 घंटे अलर्ट पर रहने को कहा। उन्होंने कहा कि कहीं पर भी मलबा आने से रास्ते बंद होते हैं तो उन्हें तत्काल खोला जाए, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। साथ ही निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर कर न्यूनतम 3 वर्ष के लिए डिबार्ड करने को कहा। उन्होंने कहा कि मानसखंड विकास माला योजना के तहत कुमाऊं के 42 मंदिर विकसित होंगे। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अभी आपदा का समय क्योंकि हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। हमारे प्रदेश में प्रत्येक वर्ष में भूस्खलन होता है, कहीं सड़कें बह जाती हैं, कहीं पर अतिवृष्टि हो जाती है, उसके कारण से हर वर्ष नुकसान होता है। इसलिए मैंने सभी अधिकारियों के साथ आज इस बात की समीक्षा की है कि आपदा के समय में हम लोग त्वरित रूप से सभी लोगों को जो जरूरी चीज़ें हैं वो पहुँचा पाएँ और आपदा का जो असर है उस असर को कम कर पाएँ उस दिशा में, और साथ ही साथ जो विकास कार्य चल रहे हैं वो समयबद्ध तरीके से पूरे हों। इसके साथ साथ एक कार्य संस्कृति हमारे आनी चाहिए कि हमारे सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण सरलीकरण, समाधान और निस्तारण जो हमारा मंत्र है उस मंत्र के आधार पर काम करें।